हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बिगिन विद आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। वी हैव स्टडीड अबाउट मैटर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स एंड वेरियस टेक्निक्स टू सेपरेट द मिक्सचर। लेट्स बिगिन विद दिस। So, our first topic is pure substance. Pure substance क्या होते हैं? जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, दो substances that are made up of a single type of particles, मतलब वो वाले substance जो सिर्फ एक type के particles के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं pure substance। कोई सब्सटेंस प्योर है कि नहीं उसको जानने के लिए उसके बड़े सारे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि एक जैसी कंपोजिशन, और उनको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। मोर ओवर, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू करता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस बॉइल करना शुरू करता है। और प्योर सब्सटेंस के सारे करैक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। आगे हम प्योर सब्सटेंसेस की दो कैटेगरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? एलिमेंट। और दूसरी क्या है? कंपाउंड। बेसिकली एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको मैं फर्दर छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। एक एलिमेंट हमेशा एटम का बना होता है, बट हम कभी भी नेकेड आई की हेल्प से एटम को देख नहीं सकते। जब भी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एक एलिमेंट बनाते हैं। एक एलिमेंट हमेशा नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो कभी भी एटम्स में ब्रेक डाउन नहीं करता। अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हम 118 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स वैसे हैं जो नियर फ्यूचर्स में डिस्कवर होंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नहीं हैं। कुछ एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आर्टिफिशियली हमने लैब में बनाया है। हमें पता है हर एक एलिमेंट का अपना एक प्रॉपर एटॉमिक नंबर होता है। वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स वो हैं जो हम लोगों ने खुद आर्टिफिशियली लैब में बनाए हैं। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स एटम्स के बने होते हैं, और किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके बेसिस पे होती है कि उसमें जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में पाए जाने का मतलब है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में अकर होता है, बट कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। एज वी आर डिस्कसिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की आगे फर्दर कैटेगरीज भी हैं। उनमें एक कैटेगरी है मेटल्स। मेटल्स के बारे में हम क्लास 8 में एक चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वी ऑल नो दैट मेटल्स है दो सब्सटेंसेस जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें, और हमें पता है
कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या बन जाता है, सोडियम आयन। सिंस उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कैटायन बोलते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग होता है कि हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं। जैसे हमारे गेट्स होते हैं उनमें जो शीट्स होती हैं वो मेनली आयरन की बनी होती हैं। वो इस वजह से, बिकॉज मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो मैलेबिलिटी शो करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मीनिंग है कि मेटल्स में कैपेसिटी है कि हम उनकी थिन वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स लस्टरस होते हैं। लस्टरस का मीनिंग होता है शाइनी अपेरेंस होना। इसी वजह से जो मैक्सिमम ज्वेलरी होती है वो मेटल्स की बनी होती है। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अगर आपने कभी आयरन को टच करके देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि आयरन कितना हार्ड होता है। मोर ओवर जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे से कंडक्ट करते हैं। अब वो कैसे कंडक्ट करते हैं, आप एक सिंपल सी एग्जांपल देख सकते हैं। आप एक आयरन की रॉड को एक एंड से होल्ड करेंगे, उसको दूसरे एंड से होल्ड हीट करना स्टार्ट करेंगे। थोड़े टाइम के बाद आप अपने हाथ के पास हीट को एक्सपीरियंस करेंगे। वो किस वजह से होगा, बिकॉज़ जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वायर्स होती हैं वो सारी की सारी मेटल्स की बनी होती हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, बट इस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया। मोर ओवर एक एलिमेंट है, एक मेटल है जो गैलियम, अगर उसको मैं अपने हाथ पे रखती हूँ तो वो मेरी बॉडी की हीट से ही मेल्ट हो जाता है। मेटल सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस का मीनिंग होता है अगर हम उसको किसी हार्ड चीज के साथ टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स केमिकली कैसे कंबाइन करते हैं। अगर हम एक सबसे सिंपल केमिकल रिएक्शन देखते हैं, दैट इज़ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या बना देंगे, मेटल का ऑक्साइड। आप किसी भी मेटल की एग्जांपल ले सकते हैं, इट कैन बी सोडियम, इट कैन बी पोटेशियम, इट कैन बी मैग्नीशियम, इट कैन बी कैल्शियम। जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपना ऑक्साइड बना लेंगे। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। बेसिक और एसिडिक हमने क्लास 7th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बेसिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका पीएच 7 से हायर होता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड। जब भी कोई मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वर्ड डाइल्यूट एसिड का मीनिंग है कि हमने एसिड्स और पानी को आपस में कंबाइन किया है, उससे क्या होता है, एसिड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। जब भी हमें एसिड्स को डाइल्यूट करना है तो हम एसिड को पानी में डालते हैं, बिकॉज़ कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आफ्टर मेटल्स विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स। जैसे कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो नॉन मेटल उसके अपोजिट होते हैं।
नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और हमें पता है कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ क्लोरीन की, क्लोरीन को हम डिनोट करते हैं Cl के साथ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कभी भी अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और उसको बोलेंगे हम एनायन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्सिमम मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अपोजिट हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, वो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में, किसी भी स्टेट में, नेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि मेटल मैलिएबल थे, नॉन मेटल क्या हैं? नॉन मैलिएबल। मेटल्स गुड कंडक्टर्स थे तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई था, इनका लो है। मेटल्स सोनोरस थे, ये नॉन सोनोरस हैं। मेटल लस्चरस थे और ये क्या हैं? नॉन लस्चरस। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नॉन मेटल का ऑक्साइड। सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कार्बन की। कार्बन एक नॉन मेटल है। जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिडिक। एसिडिक मीन्स उनका पीएच क्या होगा? 7 से लेस। और कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, इसको हम चेक करते हैं किसकी हेल्प से? लिटमस पेपर की हेल्प से। और एसिडिक के केस में लिटमस पेपर ब्लू होता है, और कलर कौन सा हो जाता है उसका? रेड। अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन देखें डाइल्यूट एसिड के साथ, तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। एलिमेंट्स की पहली कैटेगरी थी मेटल्स, दूसरी थी नॉन मेटल्स, थर्ड है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स वो एलिमेंट जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटल की। अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। पहली थी एलिमेंट, दूसरी कौन सी थी? कंपाउंड। अभी हम किसको डिस्कस करेंगे? कंपाउंड को। कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वाटर एक कंपाउंड है। किसके कॉम्बिनेशन से बना? टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। फिक्स्ड होल नंबर रेशियो का मीनिंग है वाटर चाहे मेरे घर का होगा, वाटर चाहे आपके घर का होगा, हर केस में वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपाउंड्स के, कंपाउंड्स होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर आप एक गिलास पानी देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी जगह पे हाइड्रोजन है तो किसी जगह पे ऑक्सीजन है। वो पूरे के पूरे पानी में कंपोजिशन H2O की क्या रहेगी? सेम रहेगी। मोर ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से पूरी तरह से अलग होती हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल किसकी? वाटर की। वाटर क्या है? H2O। अब हम सबको पता है कि पानी का यूज हम आग बुझाने के लिए करते हैं। वाटर किस बना? किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक फ्यूल। और किसका बना? ऑक्सीजन। हम सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है,
ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ बर्न नहीं कर सकती। अब देखो मैंने किन दो चीज़ों को कंबाइन किया, एक जिसको आग बड़ी जल्दी लगती है, दूसरी ऑक्सीजन जिसके बिना किसी चीज़ को आग नहीं लग सकती। जब मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया तो क्या बना, H2O, एक ऐसा कंपाउंड जिसको मैं आग बुझाने के लिए यूज़ करती हूँ। इसका मतलब जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूरी तरह से क्या थी, डिफरेंट थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड्स, मतलब अगर मेरे पास एक गिलास पानी है और मैं चाहती हूँ कि उसमें से मैं हाइड्रोजन निकाल लूँ या ऑक्सीजन निकाल लूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड की हेल्प से। कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, और जब भी कंपाउंड बनता है एनर्जी चेंजेस होती हैं। एनर्जी चेंज का मतलब है कुछ कंपाउंड की फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या थे, जो एक टाइप के पार्टिकल्स के बने थे, तो उसके अपोजिट इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बने होंगे। एग्जाम्पल कोई भी मिक्सचर हो सकती है, इवन वो मिक्सचर भी हो सकती है जो कि हम खाते हैं। अब मिक्सचर के केस में होता क्या है कि कोई भी दो पार्टिकल्स, दो से ज़्यादा पार्टिकल एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइन कर जाते हैं किसी भी रेशो में। अब मेन करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, मिक्सचर हीट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है, मैंने उसमें एक चम्मच क्या ऐड की, शुगर, मैंने उसको अच्छे से स्टर किया, वो क्या हुआ, एक मिक्सचर बन गई। किसकी मिक्सचर, वाटर और शुगर की। बट अगर अब आप उस मिक्सचर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि यहाँ तक पानी है या यहाँ तक शुगर है, वो दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए होंगे, तो वो कौन सा मिक्सचर हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर। हीटरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें चॉक का पाउडर लेंगे, उसको डाल देंगे, उसको स्टर करेंगे और छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि ऊपर वाले पोर्शन में पानी है और जो चॉक था वो सारा का सारा नीचे सेटल हो जाता है, ऐसे ही होता है, तो वो मिक्सचर कौन सा होता है, हीटरोजेनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं जैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती हैं, कंपाउंड में चेंज होती हैं, मिक्सचर में चेंज नहीं होती। एक और एग्जांपल लेते हैं हम मिक्सचर की, एक मिक्सचर जो हम सैलेड खाते हैं उसमें मैंने ककम्बर डाला है, मैंने अनियन डाला है, मैंने कैरेट डाला है, वो क्या है, एक मिक्सचर। जब मैं उसको खा रही हूँ मुझे ककम्बर का टेस्ट भी आएगा, मुझे कैरेट का टेस्ट भी आएगा, मुझे अनियन का भी, बिकॉज मिक्सचर में कभी भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। और अगर मुझे ककम्बर को या अनियन और कैरेट को अलग करना है तो मैं अपने हाथ की हेल्प से भी उन तीनों को अलग कर सकती हूँ। और मिक्सचर बनाने में ना ही एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मोर ओवर मिक्सचर का कभी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, कौन सी मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीनिंग वो चीज़ जिसमें हम किसी चीज़ को घोलेंगे, और सॉल्यूट वो जो घुलेगा। मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है, मैंने एक चम्मच चीनी ली, मैंने उसमें डाली और मिक्स कर दी, क्या बन गया, सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या था, वाटर, सॉल्यूट क्या था, शुगर।
सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में होता है। अब अगर मुझे उसको सेपरेट करना है तो मैं उसको किसी भी मेथड से सीधा सेपरेट भी कर सकती हूँ। सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैं उतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती हूँ जितना उसमें होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी था, मैंने उसमें एक चम्मच चीनी ऐड की, मैंने उसको स्टर किया, चीनी क्या हुई उसमें मिक्स हो गई, मैंने एक और चम्मच डाली, चीनी फिर मिक्स हो गई, तीन चम्मच, चार चम्मच, पाँच चम्मच डाली, मिक्स होगी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं 6 या 7 चम्मच डालूंगी चीनी मिक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वो वाला सॉल्यूशन अब कौन सा सॉल्यूशन बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अगर मैं उसी टेम्परेचर पे कोई और सॉल्यूट डालने की कोशिश करूंगी वो उसमें नहीं डलेगा। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड। पर अगर मैं एक दूसरा गिलास था उसमें अभी एक ही चम्मच चीनी डाली है, उसमें अभी और चीनी ऐड हो सकती है, इस वजह से वो सॉल्यूशन कौन सा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन होता है दैट इज़ द सुपर सैचुरेटेड वन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, एक गिलास पानी था उसमें चीनी डालती गई डालती गई डालती गई, एक टाइम आया उस पर चीनी ऐड होना बंद हो गई बिकॉज वो सॉल्यूशन कौन सा बन चुका था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अगर मैं उस सॉल्यूशन में और चीनी ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उस सॉल्यूशन को हीट करूँगी मैं उसमें और ज़्यादा चीनी ऐड कर सकती हूँ, तो वो सॉल्यूशन कौन सा हुआ अभी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसमें एक चम्मच चीनी ऐड की, कौन सा सॉल्यूशन है अभी तक, अनसैचुरेटेड। 5 या 6 चम्मच डालने के बाद कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड। उसको हीट करके और शुगर ऐड करने पे कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाल सकती हूँ। मेरे पास अगर एक गिलास पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं उसमें 20 ग्राम शुगर डाल सकती हूँ वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी। जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो लिक्विड्स और सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, और जब भी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है गैस और सॉलिड की, और लिक्विड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है कि मेरे पास सेम सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, उसमें मैं शुगर डाल रही हूँ, दूसरे में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, क्या दोनों सेम क्वांटिटी में मिक्स होंगे, नहीं, दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी बिकॉज सॉल्यूट क्या है, डिफरेंट। वैसे ही सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, एक बार मैंने ऑयल लिया दूसरी बार मैंने पानी लिया, क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ शुगर ऐड हो सकता है, नहीं, बिकॉज सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। सॉल्यूशन की तीन कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट का पार्टिकल सबसे छोटा होता है, कोलाइड में मीडियम होता है और सस्पेंशन में सबसे बड़ा होता है,
जैसे यहाँ पार्टिकल की रेंज दी है, ट्रू सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज होगा 10 रेस टू पावर माइनस 10 मीटर, कोलाइड में 10 रेस टू पावर माइनस 7 टू 10 रेस टू पावर माइनस 9, और सस्पेंशन में 10 रेस टू पावर माइनस 7। ट्रू सॉल्यूशन के केस में हम पार्टिकल के साइज को खुद नहीं देख सकते। कोलाइड के केस में हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, और सस्पेंशन के केस में हमें खुद ब खुद दिखता है। अगर मैं एक फिल्टर पेपर लेती हूँ, मैं उसमें से ट्रू सॉल्यूशन को पास करती हूँ, तो ट्रू सॉल्यूशन पूरा का पूरा पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचेगा। कोलाइड के केस में भी ऐसा ही होगा, बट सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट वाले पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। एग्जाम्पल बताएं आप मुझे ट्रू सॉल्यूशन की। अगर मैं एक गिलास पानी लेती हूँ, माय मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल, उसमें मैं एक चम्मच चीनी ऐड करती हूँ, जो सॉल्यूशन बना वो ट्रू सॉल्यूशन है। मैंने एक और गिलास पानी लिया, उसमें मैंने सोप का सॉल्यूशन डाला, डिटोल, कौन सा सॉल्यूशन बना, कोलाइड सॉल्यूशन। मैंने एक तीसरा गिलास लिया पानी का, उसमें मैंने क्या डाला, चौक का पाउडर, कौन सा सॉल्यूशन बना, सस्पेंशन। एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सनराइज होता है, अगर एक विंडो से हमारे रूम में लाइट आती है तो हमें डस्ट के पार्टिकल्स मूव करते दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, कोलाइड टिंडल इफेक्ट को शो करता है, और सस्पेंशन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। अब मैंने तीन सॉल्यूशन बनाए थे, एक चीनी वाला, एक सोप वाला, और थर्ड वन किसका था, चौक वाला। अगर मैं चीनी वाले सॉल्यूशन को बिना हिलाए थोड़े टाइम के लिए रख दूंगी, कुछ भी नीचे सेटल नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन एज सच ही रहेगा। सिमिलरली सोप वाला सॉल्यूशन भी वैसे ही रहेगा, बट जो सस्पेंशन वाला सॉल्यूशन होगा ना, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे सेटल कर जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, बिकॉज सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा था, इसी वजह से टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और टिंडल इफेक्ट शो नहीं भी कर सकता है। आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स जो हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।